Hey guys, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम भरवां शिमला मिर्च बनाएंगे। तो भरवां शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले 4 मीडियम साइज के आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तो हम 2 प्याज और 2 हरी मिर्ची कट कर लेंगे। तो हमने हरी मिर्ची और प्याज कट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं या नहीं। तो गाइस, हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। तो जब तक आलू ठंडे होते हैं, हम शिमला मिर्च के ऊपर वाले ये काट लेंगे और बीज में से इनके बीज भी निकाल देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग भी इनके बीज वगैरह निकाल दीजिएगा और ऊपर वाला हिस्सा भी कट करके निकाल दीजिएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे आलू बॉईल होके ठंडे भी हो चुके हैं, तो हम इनको छील के मैश कर लेंगे अच्छे से। तो अब बात आती है इसकी फिलिंग तैयार करने की। तो गाइस, सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें मसाला बनाना है। तो तेल चढ़ा दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल करके प्याज को भून लेंगे और फिर उसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची जो कट की थी वो डाल देंगे और नॉर्मल मसाले जो घर पर यूज होते हैं, धनिया और हल्दी, हरी मिर्च और लाल मिर्ची वगैरह डाल करके अच्छी तरह से मिला करके इसमें आलू भी मिला देंगे। और अच्छे से मिला करके गैस को बंद करके और फिर गरम मसाला एंड में मिक्स कर देंगे। इससे शिमला मिर्च का स्वाद और ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इस शिमला मिर्ची को मसाला थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में शिमला मिर्ची को अच्छे से दबा दबा करके भर देंगे। गाइस, मेरे पास ट्राईपोड नहीं है तो मैं कैसे भरते हैं वो आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन दबा दबा के अच्छे से पूरा भरना है। तो हमारा इतना ही मसाला बचा था, तो उसके बाद में थोड़ा सा तेल लेंगे और शिमला मिर्ची को उसके अंदर रख देंगे। और इनको रखने के बाद ढक करके बीच बीच में से हिलाते रहना है। टोटल 15-20 मिनट तक पकाया था और बीच बीच में से हिलाते रहे थे। गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कैमरा हिल रहा है क्योंकि मेरे एक हाथ में है, क्योंकि ट्राईपोड लेके आना है अभी। तो ये देखो, बीच बीच में से मैं ऐसे हिला रही हूँ। और गाइस, आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अगर समझ आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो ये देखो गाइस, ये इस तरीके से आप लोगों को हाथ से नहीं करना है। मैंने भूल में हाथ से कर दिया था, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन था तो थोड़ा याद नहीं रहा था, इसलिए हाथ थोड़ा सा जल भी गया है। आप लोगों को सावधानी से करना है। और ये ऐसे पलट पलट करके और 20 मिनट तक शिमला मिर्च पकाएंगे और ये अपने अच्छे से शिमला मिर्च है वो तैयार हो जाएगी। तो ये देखो गाइस, इस तरीके से करना है आप लोगों को और ऐसे अलट पलट करते रहना है ताकि अच्छे से शिमला मिर्ची है वो पक सके और अच्छे से हो सके इसके अंदर से भी। तो ये देखो हो गई है और अब हम इसको और पलट देंगे और बीच बीच में से ढक भी देना है। तो हमारी शिमला मिर्ची तैयार है गाइस। आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों से शिमला मिर्ची बनी या नहीं बनी। ओके बाय, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।